अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल मोहित, हैविंग रोल नंबर 063. माय ग्रुप मेंबर्स आर ईशा एहसान एंड मरियम जफर. आवर ग्रुप प्रोजेक्ट इज HBL हबीब बैंक. आई वुड लाइक टू कॉल मरियम जफर टू प्रेजेंट स्लाइड्स. अस्सलाम वालेकुम, मेरा टॉपिक है वेबसाइट ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन. इसमें सबसे पहला पॉइंट है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. इसमें हमने एक एरर निकाला था कि जब हम वर्किंग जिस भी वर्किंग पेज पे हैं उसको वो होवर करें ताकि हमें पता हो कि हम करंटली किस पेज पे वर्किंग कर रहे हैं, और जब हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमारा नेविगेशन बार जो है वो ईजिली विजिबल हो. नेक्स्ट हमने किया था मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड. इसमें इसके आइकॉन्स रियल वर्ल्ड से बिल्कुल मैच नहीं थे और इसकी लैंग्वेज जो थी वो यूज़र से यूज़र लैंग्वेज ठीक थी. नेक्स्ट प्लीज. इसमें है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम. इसमें हमारे पास अंडू और रीडू का ऑप्शन नहीं था, मतलब कि अगर हम लास्ट पेज पे हैं तो हम इजीली होम पेज पे नहीं जा सकते. हमारे पास हमें सारा बैक करके फिर होम पेज पे जाना पड़ता था, इसलिए ये भी एरर निकाला. नेक्स्ट उसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड. इसमें इसका लेआउट बिल्कुल ठीक था, मतलब ओवरऑल वेबसाइट का जो लेआउट है वो कंसिस्टेंट है. एरर प्रिवेंशन में हमने ये एरर फाइंड किया था कि हमें जो एरर प्रिवेंशन के लिए एक असिस्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट बनाना चाहिए ताकि जो एरर प्रिवेंशन को हम इजीली प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट उसके बाद है रिकॉग्निशन रेदर देन रिकॉल. इसमें जो लिस्ट और मेन्यूज हैं वो हमारे पास ईच पेज पे प्रोवाइडेड हैं, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट था इसका. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज. ये हमारे पास इसमें सर्च का ऑप्शन जो था हमारे पास क्लियर नहीं था और हम इसको इजीली ना हम असेस कर पा रहे थे ना वो वर्किंग स्टेट पे था सर्च ऑप्शन. उसके बाद है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन. इसमें हमारे पास एक इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन थी, मतलब जो हमारे पास अबाउट अस का ऑप्शन था वो हमारे पास डुप्लीकेशन हुई हुई थी उसकी नेविगेशन बार पे भी और फुटर पे भी. नेक्स्ट इसमें हेल्प यूज़र के लिए हमारे पास सर्च ऑप्शन जो है वो इजीली वर्किंग नहीं था, वो वर्क नहीं कर रहा था ठीक से और उसका आइकन वगैरह क्लियर नहीं था. हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में इसके लिए लास्ट पे जो लिंक्स थे फेसबुक वगैरह के वो अवेलेबल थे लेकिन उनको हमने उनकी कलरिंग वगैरह चेंज किया. नेक्स्ट स्लाइड से अब्दुल मोहित रिप्रेजेंट करेंगे. वेबसाइट रीडिजाइनिंग. हमने वेबसाइट की रीडिजाइनिंग PPT में की. जो हमारा प्रपोज सॉल्यूशन था उसको हमने PPT के अंदर रीडिजाइन किया, जिसके अंदर हमने नेविगेशन बार को प्रोमिनेंट किया जो कि प्रोमिनेंट नहीं थी. उसके बाद हमने सर्च बार को प्रोमिनेंट किया और सर्च बार का बटन वर्केबल भी नहीं था, अब ये प्रोमिनेंट भी है एंड वर्केबल है. एंड इसमें ये जो FB के लिंक्स हैं, अदर लिंक्स यूज हो रहे हैं, ये कलरफुल नहीं थे जो कि अच्छे नहीं थे लग रहे, ब्लैक एंड वाइट यूज हुए हुए थे. उसके बाद हमारा ये लॉगिन का सेक्शन है जिसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट दी, इफ यू आर नॉट HBL कस्टमर डोंट वरी यू कैन यूज HBL पे. मतलब कि अगर आप HBL के कस्टमर नहीं भी हैं तो भी आप HBL पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं. ये फैसिलिटी मौजूद तो थी लेकिन ये चीज प्रोमिनेंट लिखी भी नहीं थी जो कि हमने ये लिखी, जो कि फैसिलिटेट करेगी यूजर को. इसी तरह हमारा अबाउट अस का पेज है वेबसाइट का और इस्लामिक बैंक का पेज हमने रीडिजाइन किया PPT के अंदर. एंड ये PPT हमने सर सेंड की अपने प्रीवियस ग्रुप को, जो के जिसके मेंबर हैं नूर बिलाल, अब्बास और मुनीब. सर उनकी तरफ से हमें प्रॉपर इवेलुएटेड डॉक्यूमेंट नहीं मिला. उन्होंने सर ये फीडबैक के नाम से ये डॉक्यूमेंट सर हमें भेजा, जो के जिसके अंदर सर कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं थी कि उन्होंने क्या चीज़ एक्सेप्ट किया क्या चीज़ नहीं किया. उन्होंने ये पॉइंट्स की शक्ल में सर हमें सिर्फ ये भेजा, जो कि उन्हें दोबारा हमने बोला भी
कि हमें 10 पॉइंट्स की ह्यूरिस्टिक पॉइंट्स की बेस पे इवेल्युएशन चाहिए जिसकी वजह से हम आगे अपना फर्दर काम कर सकें। तो सर कांटेक्ट करने के बावजूद भी हमें वो चीज़ नहीं प्रॉपर मिल सकी जिसकी वजह से सर हमने खुद से जस्टिफिकेशन उनके पॉइंट्स को हमने जस्टिफाई किया जिसमें सर उन्होंने ये हमारा नॉट एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स टू ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन जो कि इसको सर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया एस्थेटिक डिज़ाइन को जो कि सर उनकी रॉन्ग जजमेंट है। डायलॉग्स आर नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन विच इज इररिलेवेंट और रेयरली नीडेड सो दे रिजेक्ट दिस पॉइंट ऑन रॉन्ग जजमेंट नो एनी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एडेड इन आवर वेबसाइट एंड ऑल आवर कॉन्टेंट इज प्रोमिनेंट एंड रीडेबल। ये सर उन्होंने एक्सेप्ट किया हमारे उसमें डिज़ाइन में जिसमें एरर प्रिवेंशन का को भी उन्होंने यहाँ पे जीरो से मेंशन किया कि मतलब कि उन्होंने सर एक्सेप्ट नहीं किया जो कि उनकी नॉन एक्सेप्टेंस हमने एक्सेप्ट किया कि हमने वाकई एरर प्रिवेंशन पे उस तरह से इस मॉड्यूल पे कोई काम नहीं किया जो कि हमने सर सोचा है कि हम वर्चुअल असिस्टेंट और साइट मैप के नाम से एडिट को एडिट प्रिवेंशन पे कंट्रोल कर सकते हैं जो कि वेबसाइट के हर पेजेस पे वर्चुअल असिस्टेंट सर साइट बार पे बना हुआ होगा जो कि यूजर को हेल्प करेगा एक वर्चुअल चैट के जरिए। तो सर ये हमारे पॉइंट्स थे ये उन्होंने पॉइंट्स एक्सेप्ट किए हमारे और सर हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव इसी तरह से करेंगे एरर प्रिवेंशन को लेकर के सर हम इसके ऊपर सिक्योरिटी के सर्विसेज दे सकते हैं सिक्योरिटी को मेंशन कर सकते हैं उस पर फोकस कर सकते हैं और हम इस पे वो वर्चुअल असिस्टेंट और साइट मैपिंग पे फोकस कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट सर वर्क किस तरह करेगा कि साइट बार सर पॉपअप होगी जिसके जरिए कोई भी यूजर अगर कोई हेल्प उससे चाह रहा है तो वर्चुअल असिस्टेंट सर उसको रिस्पॉन्स करेगा और उसकी क्यूरी के ऊपर सर उससे रेलिवेंट उसको कंटेंट प्रोवाइड होगा यूजर या विजिटर को। बाय दिस फीचर वी कैन कंट्रोल टू प्रिवेंट द एरर्स आल्सो इट आल्सो फैसिलिटेट्स द यूजर एंड सर क्योंकि उस इवेल्युएटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर एविडेंस के नाम से सर मेंशन था कॉर्नर पे कि कोई अगर ग्रुप मेंबर कोई आपका जिसने आपकी वो इवेल्युएशन करनी है वो आपसे सर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा या कोई इन टाइम पे नहीं दिया उसने तो सर वो उसका एविडेंस मेंशन किया जाए तो सर क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं करवाना तो अगर सर आपको इसका एविडेंस कोई चाहिए तो हम मेंशन कर देंगे इसलिए यहाँ पे हमने खुद से नहीं किया कि सर मुनासिब नहीं है यहाँ पे मेंशन करना। तो सर क्योंकि इसकी हमारे पास 10 पॉइंट्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी आई इस चीज़ की सिर्फ सर ये स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उनका जो उन्होंने हमें सेंड किया था उस बेस पे सर हमने ये एक्सेप्टेंस एंड नॉट एक्सेप्टेंस को जस्टिफाई किया। दैट्स ऑल सर थैंक यू।